दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग वाईफाई फाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी नमस्कार आई एम विजिबल टू एवरी वन जल्दी से बताइएगा गुड इवनिंग दोस्तों गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सात बजे के धमाकेदार सेशन में आपको आठ हजार क्वेश्चन की अगर सीरीज करनी है किसी भी एग्जाम के लिए तो आप जुड़ सकते हो पच्चीस में से पच्चीस अगर आपको स्कोर करने ठीक है थेके? तो आप इसके लिए इस क्लास को रेगुलर देख सकते हो ठीक है फायदा होगा आपको रेगुलर देखने पर लेकिन देखिए इवन आपकी आज भी क्लास हो रही है प्रॉपर सारी की सारी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना अमन सर वाई फाई स्टडी देखिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली आपको पीडीएफ चाहिए होंगी लिंक चाहिए होंगे मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते होंगे कुछ गाइडेंस चाहिए होगी उन सभी के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए यू विल गेट टू ठीक है ऑल द पी डी एफ मिल जाएंगे आपको देखिए वर्ल्ड अफेयर का वीडियो आ चुका है तीस अगस्त का वीडियो है लेटेस्ट जितने भी करंट अफेयर होते हैं जैसे आज के दिन का करंट अफेयर आज ही पढ़ना है तो पंद्रह मिनट से भी कम की ड्यूरेशन में मैं आपको वर्ल्ड अफेयर पर पढ़ाता हूँ देख लीजिएगा सीधा आप टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिलेगा उसमें से देखिएगा डायरेक्ट है ना 8 पीएम की क्लास में आज भी कराऊंगा प्रॉपर क्लास होगी आपकी 8 पीएम की जरूर देखिएगा साथ के साथ बहुत महत्वपूर्ण की देखो जो फ्री क्लासेस है ना उनका लिंक मैं डायरेक्ट दे देता हूँ आप रेफर कोड यूज़ करो लाइव वन मैं डायरेक्ट आपको लिंक दे देता हूँ उसका अनएकेडमी कॉम्बैक्ट एस एस कॉम्बैक्ट जो है ना ये आपका होने वाला है संडे को दोबारा बारह बजे रेफर कोड लाइव अमन है क्वेश्चन अच्छा स्कोर करना स्कॉलरशिप के लिए ठीक है ऐप पर होगा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ठीक है फ्री टेस्ट सीरीज आपके आपके लिए अवेलेबल अवेलेबल है कोर्सेज हमेशा रहते हैं नया बैच का एक सेप्टेम्बर से स्टार्ट हो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक सितंबर वाले थ्योरी बैच में जुड़ो ये एक वाईफाई स्टडी की पूरी टीम का बैच है जो आपको बेहतरीन बढ़ाएगी आपको सभी एजुकेटर मिलते हैं जब आप अन का कोर्स लेते हो ठीक है एसएससी गोल सेलेक्ट करना क्लिक करना रेफर करना रेफर कोड है अमन और मन सेलेक्ट ये तरीका रहेगा ठीक चलिए जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं ठीक है थेके? स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन क्वेश्चन को 120 होंगे और तसल्ली से दीजिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है पहला क्वेश्चन जैसे पापा न्यू गिनी जो है इसकी करेंसी क्या है बताइए पहले इस देश की करेंसी बताइए बताइए थोड़ा सा मुश्किल है पहला ही क्वेश्चन लेकिन ट्राई योर बेस्ट बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि पापा ने जो है इसकी करेंसी क्या की ना थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है ना थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है पहला ही क्वेश्चन चलिए लेकिन सीखना जरूरी बताइए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में जो एस्टेब्लिश किया गया था कौन से एक्ट के तहत बताइए कौन से एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को ठीक है कोलकाता में एस्टेब्लिश किया गया बताइए अच्छा क्वेश्चन है पूछा सकते हैं देखिए कोलकाता के बाद फिर राजधानी दिल्ली बनी तो फिर बदलाव हुए बहुत सारे ऐसे यह भी क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट प्रेसिडेंसी जो है मद्रास बंगाल और ये मुंबई जो है यह सब कब बने थे यह भी क्वेश्चन आ सकता है है ना तो यह भी हम देखेंगे एक एक करके आंसर है इस क्वेश्चन का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ठीक है कौन से एक्ट के तहत तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवन के तहत जो है ये किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा आ सकता है चलो एक और क्वेश्चन देखिए बताइए इस क्वेश्चन आंसर बेटा थोड़ा सा ना नेट फ्लक्चुएशन होना तो तसली रखिएगा आप चलिए बताइए कामला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तक आ चुका है बहुत ज्यादा विवादि, विवादित रही है बफेलो रेस है ना कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनिमल को नुकसान पहुंचा रहे हैं इसके थ्रू ऐसा ठीक है डिस्प्यूट रहा अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो कामला बफेलो रेस है ये कौन सी स्टेट में होती है इंपॉर्टेंट है जैसे सबरीमाला टेम्पल का क्वेश्चन आता है वैसे ये क्वेश्चन भी आता है जालिया काटू जो है ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है तो तीन चार क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है और ध्यान रखना जो करंट अफेयर से संबंधित होगा ना वो तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट जैसे कर्नाटका कर्नाटका इसका आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए काल बिलिया डांस यूनेस्को डांस है बेटा ये ठीक है इनटेंजिबल यूनेस्को लिस्ट का हिस्सा ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सांप जो स्टेक्स हैं उनसे संबंधित है उनकी कम्युनिटी से संबंधित है और आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का राजस्थान ठीक है राजस्थान इसका आंसर बहुत फेमस डांसर से बहुत प्रसिद्ध नाम है ये ठीक है बहुत प्रसिद्ध नाम एक और क्वेश्चन देखिए चलिए बताइए द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ पे है अब देखो यार ये तो खैर आज क्वेश्चन कराना ही था ठीक है द्वारकाधीश लेकिन ये है कहाँ पे जल्दी से बताएगा वेयर इज दिस द्वारकाधीश टेम्पल लोकेटेड कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का चलिए तो आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात इसका आंसर है ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुजरात इसका आंसर द्वारकाधीश जो है गुजरात है और बहुत फेमस है यार द्वारकाधीश हो गया ठीक है सोमनाथ टेम्पल हो गया दीज आर वेरी फेमस फेमस टेम्पल्स मधुराई हो गया चिदंबरम हो गया है ना लिंगराज टेम्पल हो गया राजा रानी टेम्पल हो गया सन कनरोक टेम्पल हो गया दीज आर वेरी फेमस हमें पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी स्टेट में है बताइए बिलाई जीन किंग कप जो है किस खेल से संबंधित है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है बताइए सोल्व करिए बेटा शेयर करिए सेशन को जल्दी से एक बारी सारे क्लास ले करिए यार समय पे चाहे कोई भी दिन हो क्लास ज़रूरी होती है ठीक है सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सात बजे का आठ बजे का नौ बजे का पेपर और वर्ल्ड अफेयर का वीडियो ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी है आंसर क्या है वुमेन टेनिस से संबंधित है बेटा थोड़ा ना मुश्किल क्वेश्चन और इसका आंसर गोल्फ मत लगाना आप ठीक है वुमेन टेनिस से संबंधित है एक और क्वेश्चन देखिए देखिए हमारे अगर हम आर्यस की अपने से ही बात करें कि वैदिक आर्यस जो थे उनका जो स्टेपल फूड था जो वो आमतौर पर भोजन खाते थे वो कौन सा भोजन होता था बताइए ठीक है आमतौर पर जो आर्यस थे वो कौन सा भोजन खाते थे अब देखो यार इसमें एक तो लिखा हुआ सारे ही ना ऐसे नॉन में से लेकिन क्या दूध और उसके उत्पादक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या क्या ये इसका आंसर हो सकता है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट क्या इसका आंसर ये हो सकता है बताइए बड़ा अच्छा क्वेश्चन क्या ये इसका आंसर हो सकता है बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन में चलिए दोस्तों आंसर क्या इस क्वेश्चन का डेफिनेटली यही इसका आंसर है ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लगाओ मिल्क और उसके प्रोडक्ट ही खाया करते थे ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करेगा बताइए उड़न परी किसे कहा जाता था बड़ा फेमस नाम है ठीक है उड़न परी पीटी उषा जी को कहा जाता था कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया हम सभी जानते हैं उड़न परी पीटी उषा जी को कहा जाता था एथलीट्स में से फेमस है ठीक है पोर्ट ओ प्रिंस ये किसकी कैपिटल है क्या ये हथी की ठीक है कैपिटल है हाँ या ना बताइएगा कॉन्फिडेंस अगर है तो यस और नो का ही आंसर दो ठीक है मैं और सारे ऑप्शन एलिमिनेट करता हूं बस आपसे ये पूछ रहा हूं क्या? ये हताई जो है इसका कैपिटल है ओ प्रिंस जो क्या इसका कैपिटल है ठीक है बस इतना यस और नो बता दो आप चलो तो आंसर है यस ठीक है इसी का ही है इंपोर्टेंट इसकी कैपिटल के साथ साथ इसकी करेंसी भी याद रखना क्योंकि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का क्वेश्चन आता रहता है हाल फिलहाल में एक हमारे देश के ही हैं जिनको यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स ने अवार्ड भी दिया है तो उनसे संबंधित सारी चीजें क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ना तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स अ ब्लैक लिस्ट कंट्रेड बाई यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स चलिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा मैं अगर कह रहा हूँ ना कि बेटा बताओ येस और नो ये मत सोच रहे कि मैं हमेशा एकदम मतलब मैं तो डेफिनेटली सही बताऊंगा लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस चेक करता हूं मैं ठीक है कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके हेडक्वाटर कहाँ पे हैं बताइए जैसे सिडबी के हेडक्वार्टर कहाँ पे आपके सामने ही ऑप्शन दे रखा है ना सिडबी के हेडक्वाटर कहाँ पे आप बताइएगा यूको बैंक जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है ठीक है यूनाइटेड जो बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है नबार्ड का कहाँ पे ये सब हम इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं ठीक है चलिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है जिसमें तरई के भी हैडक्वार्टर हैं जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के भी हेडक्वार्टर हैं पंजाब पंजाब एंड सिंध बैंक के भी हेडक्वार्टर हैं मुंबई का आर बी क्वेश्चन आ सकता है हैदराबाद का आप बताइए क्या होगा ठीक है क्या सिडबी आंसर होगा हैदराबाद का अच्छा मैं अब आपसे सिर्फ इतना पूछता हूँ क्या सिडबी के हेडक्वाटर हैदराबाद में है यस और नो बताइएगा ठीक है इस क्लास को ना ऐसे लोग के मतलब एक क्लास है जहां पे हम सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे से बहुत कुछ बताइए क्या सिडबी का मैं हैदराबाद यस और नो सही लगाऊंगा सिडबी का यस और नो बता देना वाई और एन करके जल्दी से यूको का कोलकाता है बताइए जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे कौन सी स्टेट में जल्दी से बताएगा चलिए तो आंसर क्या होगा नो होगा आंसर चलिए मैं तभी कह रहा था थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो कि यस और नो में से क्या है ठीक है दिमाग में रखिएगा लखनऊ होगा आंसर ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जयतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है महाराष्ट्र में है ठीक है लखनऊ होगा आंसर चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताइए चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कौन सी टोपोग्राफी है यानी कि फिजिकल ट्राइन है जहां पर वाटर रिचार्ज पोर्स होंगे बताइएगा जहां मतलब पानी एब्जॉर्ब हो जाता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सा इसमें से टॉपोग्राफी होगा फिजिकल ट्राइन होगा जिसमें पानी एब्जॉर्ब हो सकता है ठीक है वाटर रिचार्ज पोर्स है जल्दी से बताइए है ना महत्वपूर्ण सवाल अब मुझे बताओ किसमें हो सकता है पॉसिबल किसमें चलिए थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन ज्योग्राफी का कास्ट टोपोग्राफी मैंने आपको एक दिन ठीक है आपको क्या बताया था शायद याद आ रहा है मुझे फायरॉइड से संबंधित जो है फायरय से संबंधित मैंने बताया था कि ग्लेशियर जोन में होता है ये है ना जमीन के नीचे ये वाटर एब्जॉर्व कर लेता है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इसके हेडक्वार्टर कहां पे है बेटा शेयर करिएगा सेशन को जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है स्टैंडर्डाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के हेडक्वार्टर कहां पे है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलो तो दोस्तों आंसर क्या है इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर है पहले बताओ आप आंसर ठीक है पहले आप बताइए आंसर कि क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है सोल्व करो क्योंकि ना ये मेरे हिसाब से बहुत आसान स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का देखो मैंने आपको ना इसका तरीका भी बता रखा है जनेवा स्विट्ज़रलैंड इसका आंसर है कि यार जहां पे व्यापार होगा जहां पे व्यापार होगा वहीं पे स्टैंडर्डाइजेशन होगा ना कि हाँ भाई ये चीज सही है ये चीज बेकार है, है ना व्यापार करते समय स्टैंडर्डाइज तो करते हैं चीजों को प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं तो आप ऐसे याद रख लो हम इतनी सारी चीजें हमने जनेवा में याद रखी हुई है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो भी जेनेवा में है आई लेबर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ये सब कुछ जनेवा में है तो ऑटोमेटिकली स्टैंडाइजेशन भी कहां पे जनेवा में है ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं बड़ी कॉमन सी बात है नो no, छोड़ेंगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था आसान सा क्वेश्चन था बड़ा अच्छा क्वेश्चन ग्लोबल करप्शन इंडेक्स किसके द्वारा दिया जाता है बहुत महत्वपूर्ण सवाल बता सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं जल्दी से बताएं आंसर क्या इस क्वेश्चन का कि ग्लोबल करप्शन इंडेक्स ठीक है चलिए तो आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बड़ा आसान क्वेश्चन है कि यार ट्रांसपेरेंसी करप्शन ट्रांसपेरेंसी से संबंधित हो सकता है ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ठीक है अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर कहाँ पे है ठीक है बताइए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर कहां पे ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है बताइएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द अर्लियर सेटलमेंट ऑफ जूस आर फाउंड ठीक है यहूदियों की सबसे पहले जो सेटलमेंट हुई थी पूरे इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे पहले यहूदी आके जो है बसे थे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है है ना थोड़ा मुश्किल भी मुश्किल होना बढ़िया बात है आप इधर सीख लोगे मुश्किल पेपर में आपको आसान लगेगा डैम गुड है ना सिंपल सी बात है मुश्किल होना अच्छी बात है पेपर में कोई भी चीज मुश्किल होती है कॉम्पिटिशन में एलिमिनेट होता आपको आता होगा केरला इसका आंसर है ठीक है कि केरला में सबसे पहले यहूदियों का जो है सेटलमेंट हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चल रहा है मैं आपसे ना करंट अफेयर पूछता हूं अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाते तो आप वर्ल्ड अफेयर की वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि आप वर्ल्ड अफेयर पर देख पाओगे ये सब चीजें कौन सा स्टेट है जिसने हाल फिलहाल में हमारे देश के फार्मर लोस जो अभी सेंटर के द्वारा लाए गए जिसका अभी दिल्ली के आउटस्कर्ट में ठीक है एक प्रोटेस्ट चल रहा है उसको सेंटर का जो लो है उसको ठीक है सपोर्ट नहीं कर रही है अब स्टेट बताइए कौन सी स्टेट ठीक है स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है जल्दी से बताइएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है केरला है या तमिलनाडु दोनों में से एक चलिए तो आंसर क्या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है कमेंट करेगा अगर नहीं पता तो जरूर देखिए वर्ल्ड अफेयर की वीडियो जो मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर देता हूँ ये कल परसों में अनाउंसमेंट हुआ या फिर कल ही हुआ होगा ठीक है चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का हरियाणा आंसर नहीं है दोस्तों ठीक है दस अक्टूबर इसका आंसर है ठीक है आंसर क्या है दस अक्टूबर इसका आंसर है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है दस अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बताइए इस क्वेश्चन वेस्टर्न घाट डज नॉट हां जी बताइए वेस्टर्न घाट इसमें से कौन सी स्टेट में नहीं आएगा बड़ी कॉमन सी बात है जैसे ये इंडिया का मैप और ये वेस्टर्न घाट ठीक है वेस्टर्न घाट तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो वेस्टर्न घाट पे नहीं आने वाली आंध्र प्रदेश इधर पड़ता है केरला इधर आ जाएगा ठीक है तमिलनाडु भी टच करेगा ठीक है या महाराष्ट्र टच करेगा क्या आंध्र प्रदेश टच करेगा बताइए मैपिंग का क्वेश्चन है क्या आंध्र प्रदेश टच करेगा खुद बताइए आंसर क्या होगा चलो तो देखते हैं आंसर क्या है आंध्र प्रदेश इसका आंसर बड़ी कॉमन सी बात है कि आंध्र प्रदेश ईस्ट की तरफ आता है तो वेस्ट में कैसे टच कर जाएगा है ना है ना कॉमन सेंस बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पेपर में बताइए इस क्वेश्चन का मुद्दू मलई मैंने आपको यह बता रखा है मलई ऑप्शन देखते ही आंसर लगाओ अब क्या आंसर लगाओगे अब आप बताइए जो मैंने आपको चीट कोड बता रखा है एट पी पे मलई देखते ही आंसर लगाओ बहुत सारे जो क्वेश्चन ऐसे जहां पे मलई ऑप्शन में मिलता है चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा आंसर है तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु इसका आंसर है ठीक है या तो अन्ना लिखा हुआ मिले क्वेश्चन में बहुत सारे आते हैं चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क म्यूजियम स्टेडियम या तो अन्ना लिखा मिले लगा देना आंसर तमिलनाडु ठीक है या तो मलई लिखा हुआ ऐसे क्वेश्चन चीट कोड काम आते हैं बेटा जैसे मैं कोंडा का बता चुका हूं इसका बता चुका हूँ गोल्ड का बता चुका हूँ बहुत सारे चीट कोड है जो आपको पेपर में हेल्प करने वाले हैं चलिए एक और क्वेश्चन देखिए मेरा रेफर कोड है लाइव ये वन शॉट सॉल्यूशन है पे आपके प्लस कोर्सेज के लिए जो लेटेस्ट नए कोर्सेज आ रहे हैं उनका डिस्काउंट सही होता है बच्चों को और बच्चे रेफर कोड ठीक है ये है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा बताइए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट हेडक्वार्टर कहां पे लोकेट है वे इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का मैं 8 पीएम का क्लास कराऊंगा मैं 9 पीएम का भी करा रहा हूं वर्ल्ड अफेयर का वीडियो भी आ चुका है सब कुछ अवेलेबल है इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू की यू आर मेकिंग एफर्ट्स और नोट ठीक है तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली ठीक है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है ये कहाँ पे न्यू दिल्ली में है फेमस है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है टॉयलेट म्यूजियम तक है यार दिल्ली में और क्या लोग हैं ठीक है मतलब सब कुछ है दिल्ली में अगर आप याद करो ना तो बहुत सारी चीजें जो आपको पेपर मिल जाएगी नटराज क्या आंसर तमिलनाडु होगा इधर बस नटराज देखा और आंसर तमिलनाडु क्या होगा इसका आंसर ये तमिलनाडु का ठीक है नटराज टेम्पल क्या तमिलनाडु में है या नहीं मैंने आपको चिदंबरम टेम्पल के बारे में बताया था और कहा था कि नटराज की मूर्ति है वहां पे ठीक है बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का नटराज टेम्पल कहाँ पे है तमिलनाडु में एक और क्वेश्चन देखिएगा बेलरस का कैपिटल और करेंसी बताइए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए अभी टोक्यो पैरा हो रहा है हमने जो ओलंपिक हुआ था उसमें अच्छे खासे मेडल जीत लिए अभी पैरा ओलंपिक में हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा हो रहा है तो अभी तक कितने मेडल हो चुके हैं ये आपसे सवाल है कितने मेडल अभी तक हम जीत चुके हैं कौन कौन से खेल में कौन कौन से व्यक्ति के द्वारा लेटेस्ट में मेडल कौन सा जीता गया ये सब चीजें करंट अफेयर की है वर्ल्ड अफेयर पर पढ़ना स्टार्ट कर दो हर एक वीडियो में पूरा कवरेज कर रहा हूँ हर एक टॉपिक का हर दिन का ठीक है एक ही वीडियो में सब कुछ कवर आंसर क्या है इस क्वेश्चन का मिंग्स और रूबल इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ठीक है पैलियो क्लाइमेटोलॉजी किसकी स्टडी होती है किसका अध्ययन होता है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए कमेंट करिएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का चलो तो आंसर है बेटा लिंक कहां पे या पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये आपका अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम चैनल का नाम है इसमें मिलेगा सब कुछ मतलब आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो पीडीएफ लिंक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा याद रखिएगा पेलियो क्लाइमेटोलॉजी जो है एंशियंट क्लाइमेट प्राचीन जलवायु जो है उसकी स्टडी के लिए ठीक है कि प्राचीन जलवायु कैसा रहा होगा और ये बहुत प्यारा सवाल है ठीक है है ना पेलियो जो होता है वो जीवाश्म और उन सबसे संबंधित होती हैं चीजें तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बड़ा अच्छा क्वेश्चन था चरौआ डांस जो है ये कौन सी बड़ा फेमस है ठीक है ये कहाँ का डांस है बहुत फेमस आंसर है मिजोरम बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है ये ऐसा कॉमन क्वेश्चन है कि आपको आता ही होगा उम्मीद है मुझे बस इतनी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर सुरस्त्रा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम वेर इट इज पे ये सुरस्त्रा जो है क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम लोकेटेड है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कहां पर ये स्टेडियम लोकेटेड है जल्दी से बताएंगे चलिए तो दोस्तों आंसर क्या है गुजरात इसका आंसर है ठीक है गुजरात इसका आंसर है महत्वपूर्ण सवाल ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नेशनल नैश्ट, एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश बड़ा आसान क्वेश्चन अच्छा अब देखो ये आपके सामने इधर ब्लैक बर्ग दे रखा है क्या ये इसका आंसर है हाँ या ना बताइएगा क्या ब्लैक बग इसका आंसर है बताइए क्या आंध्र प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है ठीक है स्टेट लिखा होना चाहिए इधर ठीक है स्टेट स्टेट एनिमल क्या ब्लैक बग है जल्दी से बताइएगा पहले ठीक है पहली बात तो स्टेट लिखा होना चाहिए फिर भी आंसर बताइए चलिए तो आंसर क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का स्टेट लिखा होना चाहिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टेट ही लिखा होना चाहिए लेकिन आंसर क्या है ब्लैक बग किया हम सभी जानते हैं ठीक है है ना ब्लैक बग इसका आंसर है ठीक है बाकी आप समझ सकते हैं ठीक है ये किससे संबंधित है स्लो लैम स्नो लेपर्ड किसका है चलो बताओ स्नो लेपर्ड किसका स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड किसका कमेंट करिएगा स्नो लेपर्ड किसका स्टेट एनिमल है जल्दी से हो जाएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का चलिए क्या स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश का है क्या स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश का है ठीक है चलिए तो स्नो लेपर्ड किसका है हिमाचल प्रदेश का है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा से. मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं कि आपको रेंडमली चीजें आती हैं मैं आपको 8 पीएम पे ये पे टॉपिक टू टॉपिक करा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है आज भी बहुत मतलब आज तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा टॉपिक है ना उसमें से सवाल आना ही आना है उसके बिना पेपर नहीं बन सकता ऐसा टॉपिक है आज का ठीक है जरूकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर लोकेड क्वेश्चन का दोस्तों जरूकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेघालय में, में लोकेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसान भी है मेघालय का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है क्लाउडेड लेपर्ड ठीक क्लाउडेड लेपर्ड ठीक है पूछा जा सकता है ना क्लाउडेड लेपर्ड है स्टेट एनिमल चंदोली नेशनल पार्क कहाँ पे वेर इज चंदोली नेशनल पार्क जल्दी से बताएंगे ठीक है सर क्या टॉपिक है बेटा रुक जाओ अभी लगा रहे हैं ऊपर आपके ठीक है चैट बॉक्स में लगा देंगे अभी 8 पीएम की क्लास का लिंक ठीक है बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ठीक है सर वाइफ स्टडी चंदोली ठीक है आंसर का एवेटाइज क्वेश्चन महाराष्ट्र है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा चलिए एक और क्वेश्चन सोल्व करो करते जाओ सोल्व इधर कमी नहीं है क्वेश्चन है जैसे कितना प्यारा क्वेश्चन है कि भाई वियतनाम नॉर्थ और साउथ के बीच में कौन सी लाइन है ना कौन सी लाइन है बताइए क्या सेवनटीन लाइन है क्या बीस पैरल है फोर्टी नाइन तो खैर नहीं है है ना यूएसए और कनाडा के बीच में है फोर्टी नाइन तो ठीक है बताओ चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का चलिए तो आंसर है दोस्तों याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर सेवेंटीन पैरल है ठीक है सेवेंटीन पैरल नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में बाउंड्री लाइन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है है पूछा सकता है, एक और क्वेश्चन देखिएगा कालीदास किसके दरबार में कवि थे यह टॉपिक मैं करा तो चुका हूं लेकिन यार ये टॉपिक दोबारा करवाना है थोड़ा ना मुश्किल टॉपिक था रिवीजन करने इसकी जरूरत है कि भाई कालीदास किसके दरबार में कवि थे वैसे ये तो आसान है लेकिन और भी कालीदास को क्या कहा जाता था कि शेक्सपियर ऑफ ठीक है इंडिया किसे कहा जाता था तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य जो है ना ठीक है चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में ये क्या थे कभी थे कवि कालिदास बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है है शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता ये सवाल आपसे पूछा है तो क्या आंसर लगाओगे पता होना चाहिए वर्ल्ड पोलियो डे ठीक है हाल फिलहाल में पोलियो वायरस का एक्सपेंशन का खतरा अफगानिस्तान से आ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड पोलियो डे और जो पोलियो वायरस है ना इट्स इट्स इंडिजिनियस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन दो देशों में इसकी शुरुआत हुई थी ठीक है अभी भी चौबीस तो 24 अक्टूबर चौबीस 24 अक्टूबर इसका आंसर है वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व किया जाता है चौबीस अक्टूबर को ठीक है दो बूंद जिंदगी की ठीक है मेडा आंसर क्या है क्वेश्चन का ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ठीक है बताइए उलूरू सैंडस्टोन जो है ये कौन से जगह पे लोकेटेड है देश से बाहर है हमारे बताइए कहाँ पे चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन में बेटा पार्टिसिपेट करो मतलब सेवन पीएम की ऐसी क्लास है रेगुलर आपको मिलती है आपको एक डेडिकेटेड बैच है जो आपको यूट्यूब पे मिला हुआ वो है सेवन पी एम स्टडी पे जिसमें आप भरपूर जीके के क्वेश्चन कर सकते हो से चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि सेंट स्टोन कहां पे है ऑस्ट्रेलिया में ठीक है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स हो गया ग्रेट रीफ बैरियर हो गया ये सब चीजें ऑस्ट्रेलिया में है क्वेश्चन देखिए बताइए वर्ल्ड पोस्ट डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है बताइए वेन वी ऑब्जर्व वर्ल्ड पोस्ट डे हम किस दिन वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं ठीक है दोस्तों अगर मैं वर्ल्ड पोस्ट डे की बात करूं ना वी ऑब्जर्व इटर्स ऑन नाइन अक्टूबर ठीक है हम नो अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे जो है ऑब्जर्व करते हैं ठीक है नो अक्टूबर को पता है लो फ्रेम बाय जुडिशरी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण सवाल जैसे मान लो जो न्यायपालिका है जो हमारे कोर्ट है हमारे जजेस जो हैं वो अगर कोई कानून बनाते हैं उस कानून को हम क्या कहते हैं देखिए जो कानून बनते हैं ना वो तभी बनते हैं कोई ऐसा केस आया हो जिसमें कुछ जजमेंट मिला हो जजमेंट के थ्रू वो कानून बनता है ठीक है तो केस के थ्रू आया है तो वो है केस लो ठीक क्या होता है केस लो जुडिशरी जब भी कोई कानून बनाती है ना उसको हम क्या कहते हैं केस लो कहते हैं ठीक है ठेके? बेटा एट बी की क्लास का लिंक दे दूंगा आपको जरूर कनेक्ट कर जाइएगा ठीक है तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का केस लो इसका आंसर अच्छा क्वेश्चन है ठीक है पूछा जा सकता है अमरनाथ टेम्पल जम्मू कश्मीर में कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन बताइए दस्ते लुत्त जो फेमस डेजर्ट है ये कहां पे बताइए दस्ते लुत्त फेमस डेजर्ट कहाँ पे है ईरान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा हाँ अफगानिस्तान से संबंधित कुछ भी डेजर्ट हो कोई भी फिजिकल ट्राइन हो जैसे कुछ नदी बहती हो अफगानिस्तान में ये पता कर लेना ये मैं आपको वैसे खुद भी कराने वाला हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है थेके? ईरान इसका आंसर एक और क्वेश्चन देखिए बताइए हां जी रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर कहां पे बहुत ही आसान क्वेश्चन बताइए रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर कहां पे बताइए वे इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस चलिए तो आंसर क्या बेटा रेगुलर हो रही है सेवन पीएम पे क्लास तो होती ही होती है चलिए तो आंसर क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर मैं बात करूं कि भाई रेड क्रॉस तो आंसर जेनेवा है स्विट्जरलैंड ठीक है जेनेवा में बहुत कुछ अवेलेबल है एग्जाम्पल क्रॉस भी एक और क्वेश्चन देखिएगा राज पंचायती राज ना डीपीएसपी में, में ही दे रखा था फिर ही दे रखा था में ही दे रखा था पहले जब संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था तो आर्टिकल 40 इसका आंसर है ठीक है आर्टिकल 40 इसका आंसर है हालांकि डीपीएसपी को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है ठीक है तो आर्टिकल और भी बहुत सारे आ चुके हैं पंचायती राज से संबंधित लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड कराता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वो आर्टिकल 40 के तहत प्रोवाइड कराता है अच्छा क्वेश्चन नगरी डैम चलिए आज तो क्वेश्चन बनता है राधा नगरी डैम जो है किस दिन मतलब सॉरी किस स्टेट में बताइए आंसर के बेटा पीडीएफ हो जाएगी अपलोड कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ भी ऐसा चला गया हो पी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल पाती है प्रॉपर तरीके से ठीक है डेली बेसिस में चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का देखो यार अगर मैं राधा नगरी डैम की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है महाराष्ट्र इसका आंसर है है ना महाराष्ट्र इसका आंसर है व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ साउथ कोरिया तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन कि यार इधर वोन दे रखा ऑप्शन में सियोल और वोन ऑप्शन में दे ही रखा है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ लेटराइट सोइल मैंने आपको कल शायद यह क्वेश्चन कराया था कि भैया लेटराइट सोइल हमारे भारत में कहां पर पाई जाती है ठीक है या लेटराइट सोइल किस यूज में आती है आज बताइए कि लेटराइट सोइल का कंपोजिशन क्या होता है क्या किससे बनती है लेटराइट सोइल अच्छा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन हाँ जी हाँ जी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पीडीएफ नोट टू वरी चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर है देखिए लेटराइट सोइल ना एसिडिक है नेचर में ठीक है एसिडिक कैरेक्टर होता है लेटराइट सोइल का एक और क्वेश्चन देखते हैं कौन सी कौन सा इसमें से डैम है जो तापी नदी पे है एक तो इधर उकई डैम लिखा हुआ ठीक है तापी नदी बाकी आप बताइए ठीक है क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तापी नदी पर कौन सा डैम है जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा डैम जो है तापी नदी पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा 8 पीएम की क्लास भी होगी बाकी अन्य क्लासेस भी होने वाली हैं ठीक है तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का तापी नदी पर कौन सा डैम है तो दोस्तों आंसर क्या है तापी नदी पर डैम कौन सा उकई डैम है बड़ा सरल है कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको सारे डैम आने चाहिए टेहरी डैम कौन सी नदी पे है बन सागर कहाँ पे है इंद्रावती कहाँ पे सब पता होना चाहिए बताइए गोम डांस कौन सी स्टेट का डांस है बताइए गोम डांस जो है कौन सी स्टेट का डांस है हेलो डियर जो भी आ रहा है सेवन पी पे टाइम पे आया करो देखो अभी आप जैसे मान लो आप थोड़ा सा लेट आए हो आप आधा घंटा लेट आए हो कोई दिक्कत नहीं है आप अभी भी साठ सत्तर क्वेश्चन कर लोगे आराम से लेकिन अगर आप सात बजे एग्जैक्ट टाइमिंग पे आ जाओगे ना तो आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए ना सेवन पी पे फिक्स क्लास डेली बेसिस पे ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का गोम डांस कहाँ का है गोवा का है ठीक है आपने धमाल और ये सब भी सुना होगा बताइए आंसर क्या ग्रेटर फ्लैमिंगो इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ये मैं कराऊंगा टॉपिक जरूर स्टेट बर्ड का ठीक है कल मैंने स्टेट बर्ड का नहीं करा पाया था है ना स्टेट फ्लावर्स का करा दिया था मैंने शायद बताइए स्टेट बर्ड क्वेश्चन है बताइए कौन सी स्टेट का है ये ग्रेट ग्रेट फ्लेमिंगो बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का चलिए तो आंसर है इस क्वेश्चन का याद रखिएगा आंसर है गुजरात गुजरात इसका आंसर है महत्वपूर्ण सवाल है पूछा सकता है गाथा फोल लोकेटेड है कौन सी स्टेट में बताइए कौन सी स्टेट में गाथा फोल लोकेटेड है ठीक है सोल करो बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन है ना अच्छा क्वेश्चन कौन सी स्टेट में गाथा फोल लोकेटेड है चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश चलो बताओ ठीक है बोनालू इज अ ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चलिए तो आंसर क्या है बोनालू ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल है कहाँ का ठीक है तेलंगाना का ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है देखो तेलंगाना नई स्टेट है तेलंगाना की बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यूनिक हैं जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा कोई कहेगा सर कहाँ से नहीं है अभी तो जम्मू कश्मीर नया बन गया यूनियन टेरेटरी तो भैया वो तो यूनियन टेरेटरी बना स्टेट की बात करें तो है ना बताइए पप्पी कोंडा नेशनल अब देखो जैसे हम क्या चीट कोड यूज़ करेंगे कोंडा कोंडा देखते ही आंसर लगाएंगे ठीक है कोंडा देखते ही आंसर लगाएंगे मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि आप देखो कोंडा और लगाओ आंसर आंध्र प्रदेश बस चाहे कुछ भी हो फिर ठीक है आंसर आपका सही होगा ठीक है आंसर आपका सही होगा आपका समय बचेगा ठीक है हम तो ऐसे ही बचाएंगे समय जितना बचा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जैसे हमने पहले अभी क्वेश्चन देखा कि भैया कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन सेवेंटी के तहत जो है बना था ठीक है बहुत बढ़िया सवाल अब ये आ रहा है कि जो अपना अभी का सुप्रीम कोर्ट है वो किसके तहत बना स्थापित किया गया किसके तहत पार्लियामेंट के तहत संविधान के तहत राष्ट्रपति के ऑर्डर से तो खैर हुआ नहीं होगा कुछ बताइए किसके तहत हमारा अभी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बना है तो यार वो तो संविधान के तहत बना है पूरा आर्टिकल है एक से ठीक है आगे तक बहुत सारे आर्टिकल जो हैं ठीक है थेके? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है तो संविधान के तहत कैलाश सत्यार्थी को नोबल प्राइज किसमें मिला था बड़ा आसान पीस में बच्चों से संबंधित तिलक मैदान स्टेडियम कहां पर है कमेंट करेंगे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर के पार्टिसिपेट करो एक ऐसी क्लास समझो कि सात बजे अगर आप आ रहे हो तो मतलब सारे बच्चे कनेक्ट होते हैं आप भी कनेक्टेड रहोगे आपको क्वेश्चन आएंगे अगर आप नहीं कनेक्ट होगे तो बाकी को आएंगे आपको नहीं आएंगे सिंपल सी बात है तिलक मैदान जो है गोवा में है।, है ना चलो बताओ जुरिक एयरपोर्ट इंडिया अच्छा ये जुरिक है भाई जुरिक अगर आप आंसर नहीं बता सकते इससे आसान आपसे आपका नाम पूछेंगे पेपर में अगर पूछते हैं तो ठीक है इससे आसान तो भाई यूरिक तो सब जानते हैं दुनिया का सबसे महंगे शहरों में से एक है ठीक है स्विट्जरलैंड इसका आंसर होना चाहिए आंसर क्या है इसका स्विट्जरलैंड इसका आंसर बड़ी कॉमन सी बात है कि यूरिक जो है स्विट्जरलैंड में है ठीक है चलिए और कुछ नहीं तो यार डी जे तो देखी होगी ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा पावरी नाच जो है ठीक है बहुत सही नाम है ये कौन सी स्टेट में है पावरीनाथ कौन सी स्टेट में पावरीनाच जल्दी से बताइए चलिए तो आंसर क्या है बेटा पावरीनाथ कौन सी स्टेट में बड़ा प्यारा नाम चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है महाराष्ट्र है ठीक है महाराष्ट्र इसका आंसर है एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वेयर इज पटना नगर अब देखो यार पटना नगर का रहा है बच्चे बिहार ढूंढ रहे होंगे कुछ तो ठीक है लेकिन यार आंसर बिहार वैसे ही नहीं है इसलिए ऑप्शन में दे नहीं रखा बताओ पटना नगर एयरपोर्ट कहाँ पे है और ये फेमस एयरपोर्ट में से एक है पटना नगर नाम सुना होगा आपने ठीक है तो यार उत्तराखंड में है पटना नगर ऐसा लगता होगा बिहार है लेकिन नहीं उत्तराखंड इसका आंसर है एक और क्वेश्चन पता है छत्रशाल स्टेडियम दिल्ली में है फेमस है ठीक है आप समझ सकते हैं फेमस किस लिए रेसलिंग के लिए राइडर कप बताइए क्या इसका आंसर होगा जल्दी से बताइएगा राइडर कप आंसर क्या होगा कमेंट करिएगा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या अच्छा क्या इस क्वेश्चन का आंसर गोल्फ है ठीक है क्या इसका आंसर गोल्फ है बताइएगा क्या इसका आंसर गोल्फ है ठीक है बस आप यस और नो बताओ मैं आपका कॉन्फिडेंस चेक करता हूँ इस क्वेश्चन में क्या राइडर कप का आंसर गोल्फ है हाँ ना करिए चलिए है ना मैंने आपको कैसे याद करा रखा है कि भाई एक बड़ी फेमस मूवी हुआ करती थी मतलब जिसके बहुत सारे पार्ट आए घोस्ट राइडर ठीक है हमने ऐसे इसी से याद कर लिया है ठीक है इसी से हमने याद कर रखा है कि यार घोस की जगह गोल्फ याद कर लो राइडर तो है ही है ठीक है है ना स्पेलिंग अलग रखो लेकिन चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करेगा ये वर्ल्ड अफेयर का वीडियो ज़रूर देखा करो बस इतना याद रखेगा ठीक है ये जरूरी है टेलीग्राम चैनल पे लिंक आ जाएगा पंद्रह मिनट से भी कम ड्यूरेशन में पढ़ना चाहते हो पूरे दिन का करंट अफेयर एक बार ही देखो वीडियो आपको ये सबसे बेस्ट सोर्स लगेगा डेली करंट अफेयर कवर करने का ठीक है किसी भी समय कवर कर सकते हो अपनी इच्छा से मैंने इसका वीडियो कंटेंट ऐसे रखा होता है ठीक है बताइए हां जी कौन सा स्पीसीज है जो कि मसाले हैं जो कि जड़ों से मिलते हैं बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का कौन से मसाले हैं जो कि जड़ों से मिलते हैं रूट से मिलते हैं है ना तो दोस्तों बड़ा ही सरल सवाल ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का ठीक है नन ऑफ दिस अच्छा देखो यार अब नन ऑफ दिस लगाने का कारण क्या है कि ये जो दालचीनी है छिलके से आ जाता है ठीक है क्लोव जो है ठीक है इसका अलग फंडा है ये रूट से तो मिल ही नहीं सकता जो लौंग है ठीक है और टर्मरिक जो है स्टेम और इन सब में लगा होता है तो यार रूट से तो इसमें से कुछ नहीं मिलता ठीक है तो इसका आंसर क्या है नन ऑफ दिस ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करेगा चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सोलविड हेडक्वार्टर इंटरनेशनल टेलीकोम्युनिकेशन यूनिट जो यूनियन है इसके कहां पे जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है चलिए तो एक और क्वेश्चन देखिएगा बड़ा आसान क्वेश्चन है ना तो देखो

सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट जो स्टार्ट की गई थी उसका मतलब क्या रहा वो क्या था सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट क्या था कमेंट करिए बहुत बेसिक सी बात है है ठीक देखो यार सब जानते होंगे कि सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट वॉज वट ठीक है सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट क्या था सिविल मूवमेंट एक्टिव रिफ्यूजल था कि कुछ कानून ऐसे थे जिनको तोड़ना था ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया था सोल्ट सत्याग्रह किया उसमें हमने सोल्ट का कानून जो उसकी मोनोपोली थी ठीक है है ना तो दिमाग में रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है और आसान भी है क्वेश्चन पूछा जा सकता है चलिए तो एक और क्वेश्चन देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पे जल्दी से बताएंगे चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का दोस्तों याद रखिएगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एक बच्चा कह रहा है सर आप पढ़ाते कुछ हो रहा है लिखा कुछ हो रहा है बेटा जो लिखा हुआ है वो तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है है ना मैं उसके अलावा कुछ कंटेंट बताऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा है ना तो इसलिए करते हैं ऐसा और ये जरूरी भी है है ना तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है बाकी आपको बाकी अन्य स्टेट सभी का पता होना चाहिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन ब्रिटिश कंजरवेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था थोड़ा मुश्किल भी है क्वेश्चन ये बताइए ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है चलिए तो आंसर क्या है ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को क्या कहा जाता है तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का टॉरिस इसका आंसर है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा मुश्किल है है ना टॉरिस इसका आंसर है एक और क्वेश्चन देखिए बताइए हु वाज़ द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू विन द पद्म विभूषण पद्म विभूषण जीतने वाले पहले बहुत अच्छे क्वेश्चन है आ रही है ठीक है दिस इज डैम गुड क्वेश्चन बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का अच्छा मैं आज का ना टॉपिक भी बता देता हूँ कि बच्चे कुछ कहते हैं एट पी का टॉपिक क्या चल रहा है तो आप बता ही देते हैं बेटा आज मैं ना आपको मोन्यूमेंट्स जितने भी हैं उनके बिल्डर्स का बताऊंगा कि कौन से बड़े प्रसिद्ध हमारे देश में जो बिल्डिंग्स बनी हैं मोन्यूमेंट्स बने हैं वो किसके द्वारा बनवाए गए ठीक है वो किसके द्वारा बनवाए गए बड़े फेमस फेमस जितने भी होंगे ठीक है तो वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होता है लेकिन मैं आपको आज कवर करा दूंगा एट पी एम ठीक है है ना तो आंसर है विश्वनाथन आनंद इसका आंसर बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट जियो पावर प्लांट लोकेटेड है कहां पे कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा सारे क्वेश्चन नहीं यार सीखने के लिए मतलब सिंपल सा कह सकते हैं जो सीखना चाहता ना उसके लिए ये सात बजे वाली क्लास बहुत महत्वपूर्ण है सब कुछ सीखने को मिल जाएगा ठीक है तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का अमेरिका में लार्जेस्ट जियो थर्मल पावर प्लांट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है देवी तालाब मंदिर कहां पे है तो ये पंजाब में है ठीक है चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हां जी हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉमिक बुक आंसर क्या है इस हाँ क्वेश्चन का इंडियन कॉमिक बुक के फादर किसे कहा जाता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएंगे है ना तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इंडियन कॉमिक बुक के फादर किसे कहा जाता है तो आनंद पाई को कहा था आप सभी जानते होंगे कि आनंद पाई बड़ा प्रसिद्ध नाम रहा है ठीक है आनंद पाई बहुत प्रसिद्ध नाम रहा है एक और क्वेश्चन देखिएगा वॉकर कप किस खेल से संबंधित है बताइए वॉकर कप जो है किस खेल से संबंधित आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ए पी एम का ठीक है सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक रहता है लेकिन हम उसको आसान कर देंगे आप आइए तो सही कल बच्चों को लोकसभा भाई अगर मैं आपके सामने इधर उनतीस थर्टी नाइन फोर्टी सत्रह ग्यारह ये सब सीट के नाम लिखूँ ना कि भाई पच्चीस सीट किसकी है जो बच्चा एट पी एम पे आया ना उसको टिप्स पे बताएगी उनतीस थर्टी नाइन फोर्टी सत्रह पच्चीस ग्यारह एक दो किस किस की सीट कौन सी है अस्सी तो सब जानते हैं बेटा अस्सी पे सवाल ना आ पाएगा इस पे सवाल आते हैं आठ पी एम पे पढ़ना स्टार्ट कर दो गोल्फ इसका आंसर है ठीक है दिमाग को रखिएगा बता एंड एज इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आंसर कैस क्वेश्चन का जल्दी से बताएगा ये एट पी एम का फायदा जो बच्चा ले रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएंगा तो आंसर कैस क्वेश्चन का चार्ड इसका आंसर है बहुत ही आसान क्वेश्चन कल मैंने नाइजर का पूछा था ना ऐसे ही सेवन पी की क्लास डेली देखा करो हॉन्शू आइलैंड कौन सी कंट्री में इससे आसान तो आपसे आपका रोल नंबर पूछ सकते हैं है ना बताइए होन्शु आइलैंड किस में है बड़ा आसान ही क्वेश्चन हो गया ना कुछ ज्यादा ही अभी आपने ओलंपिक अगर देखेंगे तो आता होगा देखिए होन्शु आइलैंड जापान पे है और जापान में ये जो होन्शु आइलैंड है ठीक है जापान में ये जो होन्शु आइलैंड है बेटा ठीक है यही पे टोक्यो शहर था तो ये तो खैर बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया टोक्यो ओलंपिक्स की वजह से ये तो हमें वैसे भी पता होना चाहिए है ना चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है आइशबाग स्टेडियम कहाँ पे लोकेटे जल्दी से बताएंगे सर चलिए बताइए आंसर क्या है बेटा जो नहीं देखो दो चीज़ें हैं आपको ना मैं सिंपल सी बात बताऊं पंद्रह से बीस नंबर अगर पच्चीस में से लाने हैं ना आपको इस क्लास से मिल जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ सेवन पी से मिल जाएंगे लेकिन अगर आप बीस से पच्चीस में जाना चाहते हो ना एक वर्ल्ड अफेयर की वीडियो प्लस कर लो इसमें क्योंकि 15 से 20 तो इधर से ही आएंगे इससे इसके अलावा कहीं और से नहीं आ सकते वर्ल्ड अफेयर की वीडियो और 8 पीएम की क्लास ये प्लस कर लो 20 से 25 में जाना मैं अशोरिटी देता हूं आप 20 से 25 में आ जाओगे ठीक है तो 7 पीएम की क्लास वर्ल्ड अफेयर का वीडियो और एट पी का टॉपिक ये तीन चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी भी आपके पास समय है ठीक है पेपर में मध्य प्रदेश इसका आंसर एक और क्वेश्चन देखिएगा हॉपमैन कप जो है किस खेल से एसोसिएटेड है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का ठीक है बताइए हॉपमैन कप किससे संबंधित जल्दी से बताइएगा चलिए तो आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर है टेनिस इसका आंसर है ठीक है टेनिस इसका आंसर है एक और क्वेश्चन देखिएगा इंडियन एयर फोर्स सभी इंडियन आर्मी डी आता है तो बड़ी जल्दी 15 आपके दिमाग में आता वाक्य भाई पंद्रह जनवरी आंसर बड़ी जल्दी आसानी से आ जाता है लेकिन इंडियन आर्मी डे के साथ एयरफोर्स और नेवी भी याद रखो बता इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है एयरफोर्स डे किस दिन चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा याद रखना ठीक है ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है कि अगर आपको इंडियन एयरफोर्स याद रख रहा है ना आपको कुछ भी नहीं करना ठीक है चलो तो आंसर क्या क्वेश्चन का आंसर है, है, है देखो मैंने ना आपको इसका याद करा रखा था बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो आठ कैसे याद रखना है कि भैया एयरफोर्स में जो शब्द है ना वो आठ ही शब्द है ऐसे याद करा रखा है मैंने नेवी का भी वैसे याद करा रखा है ठीक है ये कंफ्यूज होते हैं ना बच्चे तो एयरफोर्स में आठ ही शब्द है तो आठ ही अक्टूबर है इसका ठीक है रीजन लगा थोड़ी सी एक बार फिर आपको याद रहेगा है ना कंफ्यूज नहीं होगा फिर आप चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रॉन्ग है तो बताइए यार क्या आदमपुर एयरपोर्ट हरियाणा में है सोनारी झारखंड कालंदा काल कांडा तो गुजरात में है औरंगाबाद कौन सी बात है महाराष्ट्र में होगा बसता क्या है ठीक है चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का आदमपुर एयरपोर्ट है हरियाणा में है नहीं है ठीक है तो मतलब आपको ठीक है इंट्यूशन होना चाहिए क्वेश्चन का कि यार इसका आंसर यही होगा ये भी जरूरी है बताइए कौनदेव स्टेडियम कहाँ पे है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर के कमेंट करेगा कौनदेव स्टेडियम कहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सारे के सारे वेर इज कौनदेव स्टेडियम लोकेटेड चलिए तो दोस्तों कोंदेव स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र है ठीक है महाराष्ट्र है एक और क्वेश्चन देखिए बताइए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो है बताइए टेबल टेनिस में हम पैरा में जीते हैं ना तो क्वेश्चन आने के चांसेस है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर लुसियाना स्विट्जरलैंड इसका आंसर है ठीक है लुसियाना स्विट्जरलैंड इसका आंसर है अगर आपसे पूछा जाता है ओलंपिक कमेटी तो वो याद रखना है, ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है म्यांमार की करेंसी क्या है ठीक है मतलब आंसर में है क्या है ठीक है बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का म्यांमार की करेंसी क्या है जल्दी से बताइएगा तो आंसर क्या है बेटा म्यांमार की करेंसी क्या है, क्यात है? क्या है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है क्या इसका आंसर है मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री जी एक और क्वेश्चन देखिए बताइए इस क्वेश्चन चीजों को आसान बनाने के जरिए ढूंढो ठीक है तो ये मुश्किल बना के रखोगे याद नहीं होगा है ना हमें जो चीज़ ऐसा लगता ना अब यार ए बी सी डी याद कराओगे अब ठीक है वो हमने आसान बनाया है तभी वो हमें याद है है ना लेकिन बाकी उसके खतरनाक वर्ड जो होते हैं उसको याद करने में हमें क्या करता है मुश्किल लगता है थोड़ा सा क्योंकि आसान बनाने की कोशिश नहीं करते हम ठीक है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड बड़ा आसान क्वेश्चन कि मजूली है आसाम मजूली बहुत ही आसान क्वेश्चन की दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइन आइलैंड है ठीक है है ना तो एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है नोट ट्रू यू बताइए देखो यार वंशदा मैंने आपको सो बार एक करा रखा कि भैया वन जो है फॉरेस्ट है गिर फॉरेस्ट है यानी कि गुजरात है बस गया क्वेश्चन ये गलत है कि वंशदा नेशनल पार्क हरियाणा में हो नहीं सकता ठीक है आपने सुनी होगी ये लाइन हो नहीं सकता गिर नेशनल पार्क गुजरात में किरंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में बेटला जो है झारखंड में वंशदा जो है गुजरात में ठीक है तो इसी वजह से ये आंसर होगा नोट है ना हाँ बिल्कुल सही सी इसका आंसर होगा ठीक है बेटा सी इसका आंसर होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है स्वेतलिंग कप अच्छा क्वेश्चन नया क्वेश्चन बताइए स्वेतलिंग कप किससे संबंधित है कमेंट करेगा 8 पीएम पे क्लास होगी आपको ना मैं तरीका बता चुका हूं दोस्तों ठीक है तरीका मैं बता चुका हूं टेलीग्राम चैनल अमन बॉय फिक्स मतलब आपको क्लास से पांच मिनट पहले लिंक मिल जाता है आठ बज के दस मिनट पर अगर क्लास होनी है तो उससे पहले आपको लिंक मिल जाएगा चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का आंसर है टेबल टेनिस इसका आंसर है ठीक है चलिए वट इज द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी देखो जुडिशरी का काम क्या है कानून की जो है न, ना ठीक है पालना कराना एजुकेशन ऑफ लॉ बनाना नहीं है कानून की पालना कराना है ठीक है कानून की पालना कराना है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है थेके? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का ये इसका आंसर है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है नाम से पता चल रहा है ये गुरु रामदास जी ना सिख गुरु में से एक है तो यार उस सिख गुरु से संबंधित पंजाब आंसर लगाना चाहिए ना ठीक है चलिए तो एक और क्वेश्चन बच्चे, बच्चे कह रहे हैं कि एक बच्चा कह रहा है सर आठ बजे वाली क्लास है कैसे पॉसिबल है अभी तो आप इधर पढ़ा रहे हो आप टेंशन ना लो आप जितनी देर में क्लास में जुड़ोगे ना उसके पांच मिनट के आसपास मैं जुड़ जाऊंगा स्टूडियो की क्लास ऑफ करते ठीक है डोंट वरी अबाउट डेट क्लास पक्का होगी ठीक है ये क्लास सात बजे का मतलब समझ रहे हो सात बजे पढ़ रहे हो ना तो आठ बजे पढ़ना कंपलसरी है तब फायदा है सात बजे क्लास का इज द पॉपुलर फोक डांस आपको चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी तिरताली कहां का है बेटा याद रखना मध्य प्रदेश का ठीक तो है तो मध्य प्रदेश का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा सकता है बुशमैन बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये नेटिव है कौन से कॉन्टिनेंट के और इससे फेमस देखो बुशमैन जो है ना बहुत फेमस नेटिव होते हैं ठीक है मतलब इस कॉन्टिनेंट के लोगों को कहा जाता है बुशमैन बताइए आंसर क्या बड़ा आसान क्वेश्चन बताए बड़ा इजी क्वेश्चन है ये चलो तो इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या अफ्रीका ठीक है अफ्रीका के लोगों को बुशमैन कहा जाता है और ये इजी है बहुत ज़्यादा इजी है ऐसे ही ऐसे सभी का एक एक तरीके का क्वेश्चन मिल जाता है कि मंगलोइड्स जो हैं वो कहाँ से हैं ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ऑल इंडिया राजमाता विजय राज और उसके बाद क्वेश्चन को कर दिया इन्होंने आसान ठीक है कैसे कर दिया आसान ये गोल्ड लगा के ठीक है मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा सर फिर उसके बाद क्या है गोल्ड लगा दिया और हमारे लिए गोल्डन चांस बना दिया कि हम इसका आंसर जल्दी समझवाए क्योंकि हमें तो चीट कोड याद है हम गोल्ड देख के आंसर क्या लगाते हैं लगाते हैं जब कुछ भी हो क्वेश्चन में है ना ये चीट कोड कितना काम आता है गोल्ड इज गल तो टू होकी चाहे कुछ भी लिखो आगे पीछे है ना सिंपल सा है एक और क्वेश्चन देखिएगा बताइए कुवेत का करेंसी व्हाट इज द करेंसी ऑफ कुवेत मत आंसर क्या है इस क्वेश्चन का समझ रहे हो बात को है ना बहुत सारी चीजें होती है जीके को आसान बनाने के लिए सब कुछ सीखना पड़ता है और वो सीखोगे आप सात बजे एक बार एक कमेंट बॉक्स में लिखो इसी बात पे कौन कौन डेली बेसिस पे आ रहा है मतलब रेगुलर स्टूडेंट कौन सा है अगर आप पहली बार आज आए हो तो आप क्या कंटिन्यूश करने वाले हो अगर यस तो बिल्कुल लिखिए यस ठीक है रेगुलरिटी मैटर करती है सीखने के लिए समय देना पड़ेगा आपको ठीक है यस और नो लिखो कौन कौन इस क्लास में रेगुलर है रेगुलरिटी मैटर करती है चाहे कुछ भी हो सैटरडे संडे डे यस और नो का कमेंट लिखिए कुवैत की करेंसी क्या दिनार है ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देखिएगा बते करतोम इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है करतोम इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सूडान इसका आंसर ठीक है सूडान इसका आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सूडान आप सभी जानते हैं देश का नाम ना टिपानी टिप टिप बरसा पानी गुजरात में आंसर क्या है इस क्वेश्चन का गुजरात ठीक है गुजरात इसका आंसर है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ ये जवाहर सागर डैम राजस्थान में बनाया गया कौन सी नदी पे बना हुआ ज्वाहर सागर ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या नाम वैसे आसान कर देगा क्वेश्चन को नाम से ही बता सकते हैं आप आंसर चलिए दोस्तों आंसर कहें इस क्वेश्चन का जवाहर सागर डैम कहां पे तो आंसर है चंबल ठीक है चंबल नदी में राजस्थान देखो वैसे ना हम थोड़ा सा ना हिंट ले सकते थे यहां पे देखो अगर मैं अगर इस क्वेश्चन को ही सोल्व करना चाहता हूं ना और मुझे कुछ भी नहीं आता मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि जैसे मान लो मुझे कुछ भी नहीं आता फिर भी मैं मतलब पच्चीस में पच्चीस लाना चाहता हूं मैं अप्रोच रखूंगा स्टेट को देख के राजस्थान भाई चनाब नदी जम्मू कश्मीर में भगीरथी आपका यूके में पड़ जाता है गोदावरी ऑब्वियसली राजस्थान में नहीं है गोदावरी जो है हमारे ईस्ट की तरफ फ्लो करती है साउथ तो इंडियन बच गया क्या यार चंबल इसका आंसर है समझ लो और इसमें भी समय नहीं लगता ठीक है एक्टिव माइंड होना चाहिए चाहिए इसमें भी समय नहीं लगता समझना ये तो मैं बस आपको एक में बता रहा हर क्वेश्चन में किया जा सकता है विदाउट इंफॉर्मेशन आपकी रैंडम इंफॉर्मेशन से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो जीके का हर क्वेश्चन पॉसिबल है सोल्व करना एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कारपोरेशन पे जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर पैक देखो ये भी बड़ा कॉमन है अब कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूं सिंगापुर अब यार जब एशिया और पैसिफिक की बात हो रही है तो फ्रांस क्या करेगा इधर समझ रहे हो स्विट्जरलैंड क्या करेगा यूरोपियन कंट्रीज क्या ही करेंगी और नेपाल को इसका हेडक्वार्टर नहीं बनाया जाएगा कॉमन सी बात है इकोनॉमिक की बात हो रही है नेपाल में कौन सी इकोनॉमी है नहीं है मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं जीके को सोल्व करने की दो अप्रोच होती हैं या तो आता हुआ है तब सही कर रहे हो या तो नहीं आता तब भी सही कर रहे हो ठीक है वो तरीका ये है समझ रहे हो समझ रहे हो बात को चलो एक और क्वेश्चन देखो पता है डिब्रूगढ़ आसान देखो डिब्रूगढ़ देखते ही इधर ब्रह्मपुत्र लगाना चाहिए आंसर ठीक है क्योंकि आसान दे रखा है समझ रहे हो बात को चलो एक और क्वेश्चन देखो ऐसी ये सब चीजें मैं आपको 8 पी पे और बेहतरीन तरीके से समझा पाता हूं क्योंकि उसमें मेरे को ठीक है समय मिल जाता है आपको और चीजें समझाने का ठीक है तो 8 पीएम की क्लास देखना टेलीग्राम चैनल पे इस पे मिल जाएगी आपको कौन फोल बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कौन सी स्टेट में कौन फोल जल्दी से बताएगा चलिए हमारा मतलब मकसद ही यही है कि आपके लिए चीजें बहुत आसान लगे आपको चलो तो बताओ आंसर कैसे क्वेश्चन कौन फुल कहाँ में आंसर है इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र इसका आंसर है कौन फुल कहाँ पे महाराष्ट्र में है ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये है इसका मतलब ये आप सर्च कर लेना ज्वाइन कर लेना ठीक है अब आंसर वाइफ समय देखें एक बारी अच्छा जी समय के अनुसार आप अब सीधा डायरेक्ट ये टेलीग्राम चैनल सर्च करें ठीक है वी हैव डन द क्वेश्चन अभी हम मिलने वाले हैं दस मिनट में नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक वाइज होगी फ्री ऑफ कॉस्ट है ये टेलीग्राम चैनल सर्च करो अमन सर वाईफाई स्टडी मैं आपको सलाह दूंगा सेवन पी पे समय पर आया करो आते तो सारे हैं एक्ट सेवन पी पे आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप कुछ भी नहीं छूटेगा आपका और मैं हर दिन आपको कोशिश करता हूं कि बहुत कुछ सिखाऊं वर्ल्ड अफेयर का वीडियो देख लेना टेलीग्राम चैनल पे होगा एक बार ही पढ़ के देखो आपको करंट अफेयर का सबसे बेस्ट सोर्स लगेगा सबसे कम समय में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ठीक है डेली बेसिस पे और 8 पीएम की क्लास अभी करते हैं रेफ़र कोड लाइव अमन यूज़ करना है एंट्री के लिए जब आप रेफ़र कोड यूज़ करोगे फ्री क्लास में चाहे चैट बॉक्स से जुड़ो टेलीग्राम से तो जुड़ी सकते हो है ना इस टेलीग्राम से तो जुड़ी सकते हो आराम से इससे जुड़िए ज़्यादा बेटर रहेगा है, है ना मिलते हैं अब आपसे एट पी पे मेरे प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं आप एक बार प्लस कोर्सेज में मुझसे थ्योरी पढ़ के देखो आपको ऐसा लगे मतलब जी के तो खैर बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और भी सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएंगे क्योंकि मैं उसमें भी आपको बताऊंगा कि कहां कहां से पढ़ना पूरी गाइडेंस आपको रहेगी प्लस कोर्सेज में क्योंकि सब कुछ मिलता है एक ही कोर्स में कैट्स क्लिक करना है रेफर कोड लाइव वमन यूज करना है और मन सेलेक्ट करना है ये रेफर कोड है लाइव वमन वन शॉट सोल्यूशन ऑन अकेडमी नया बैच आपके लिए अवेलेबल है किसी भी एग्जाम की तैयारी करो प्लस कोर्सेज में जुड़ के ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करो क्योंकि वहां पर आप थ्योरी पढ़ पाएंगे कंसेप्ट सेवन बी पे डेली जुड़िए सारे लिंक्स टेलीग्राम चैनल पर ही आएंगे सारी पी भी इजी पे आएंगी ठीक है तो सर्च करके सबसे ऊपर मिल जाएगा मिलते हैं आपसे दस मिनट में थैंक्स रोट सेशन को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए सात बजे डेली पढ़िए एट वी की क्लास जरूर लीजिए ठीक है धन्यवाद एक बात।